अमेजन करो, कोई AI सुपर फास्ट कोड लिखे, एरर फिक्स करे और आपको परफेक्ट सोल्यूशन भी दे तो कैसा रहेगा। लेकिन ये अब ड्रीम सच होने वाला है क्योंकि मार्केट में आ चुका है डीपसीक AI, एक चाइनीज AI मॉडल जो बेंचमार्क में ChatGPT से भी तेज और ज्यादा एफिशिएंट साबित हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में इतना पावरफुल है? क्या ये ChatGPT से भी बेटर कोडिंग रिजल्ट दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फ्री में प्रीमियम लेवल कोड जनरेट कर सकता है? हमने अपने चैनल पर कई AI टूल का यूज करके वेबसाइट और ऐप बनाए हैं, लेकिन आज हम डीपसीक AI को टेस्ट करेंगे। हम एक मोबाइल एप्लीकेशन इस AI की हेल्प से बनाएंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीपसीक AI की स्पीड कितनी तेज है, क्या ये ChatGPT प्लस से भी बेहतर कोड जनरेट कर सकता है और क्या ये डेवलपर के लिए नेक्स्ट लेवल गेम चेंजर साबित हो सकता है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हूं आपका AI डेवलपर UVTech। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डीपसीक AI है क्या और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है ब्राउजर पर और सर्च बार पर आकर सर्च करना है डीपसीक। इसके बाद आपको फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। सो हमारी डीपसीक AI की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। सो आप शॉर्ट में समझते हैं कि डीपसीक AI है क्या। डीपसीक AI एक चाइनीज AI मॉडल है जिसके अभी तक 3 AI मॉडल्स रिलीज हुए हैं, डीपसीक V2.5, V3 एंड R1। और ये चाइनीज AI मॉडल बहुत ही कम बजट में एंड ट्रेन किया हुआ AI मॉडल है। वेबसाइट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर डीपसीक AI के साथ और भी AI मॉडल्स को कंपेयर किया है, जैसे कि GPT-4o, Claude 3.5 एंड लामा AI जैसे और भी AI मॉडल्स को कंपेयर किया है। और साथ में यहाँ पर उन सभी AI मॉडल्स के स्कोर भी दिए गए हैं, जैसे कि इंग्लिश में किस AI मॉडल का क्या स्कोर है, कोड जनरेट करने में, मैथ में एंड चाइनीज में। और मुझे अभी तक लगता था कि Claude 3.5 से बेस्ट कोई AI मॉडल नहीं है कोड जनरेट करने के लिए, बट यहाँ पर रिजल्ट्स कुछ और ही दिख रहे हैं। यहाँ पर स्कोर आपको डीपसीक AI का ही ज्यादा देखने के लिए मिल रहा होगा। कंपेयर करें तो Claude 3.5 से तो 19 का फर्क देखने के लिए मिलता है स्कोर में, बट स्कोर देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि यही सबसे बेस्ट AI मॉडल है। सो आप जान लेते हैं कि इस डीपसीक AI को आप कैसे यूज कर सकते हैं। सो वेबसाइट ओपन कर लेने के बाद यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे सो इस डीपसीक AI का यूजर डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट एंटर करके क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, लाइक GPT या अदर AI मॉडल की तरह। और यहाँ से आप डीपसीक AI के R1 मॉडल को भी इनेबल करके कोई भी क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं और ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो अब हम डीपसीक AI की हेल्प से अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंड्रॉइड स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो अब हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में फ्लटर का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और प्रोजेक्ट का आउटपुट ये रहा हमारे वर्चुअल डिवाइस पर। सो अब हम डीपसीक AI की हेल्प से एक हैबिट ट्रैकिंग ऐप क्रिएट करेंगे। सो डीपसीक को यूज करने के लिए आपको वेबसाइट पर आने की जरूरत नहीं है। इस AI मॉडल को आप कर्सर AI एडिटर या विंडसेफ AI एडिटर पर भी यूज कर सकते हैं। विंडसेफ AI एडिटर पर आपको थोड़ा लेट अपडेट देखने के लिए मिलेगा, बट करंट टाइम पर आप कर्सर AI एडिटर पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर्सर AI एडिटर को ओपन कर लेते हैं और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की प्रोजेक्ट फाइल को उस पर इम्पोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कर्सर AI एडिटर पर डीपसीक AI मॉडल को इनेबल कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ कॉर्नर पर आ जाना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है कर्सर AI की सेटिंग्स पर, और इसके बाद यहाँ जर्नल के नीचे आपको मिल जाएगा मॉडल्स, तो यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से आप और भी AI मॉडल्स को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर डीपसीक AI मॉडल को इनेबल करना चाहते हैं, सो यहाँ डीपसीक R1 एंड V3 AI मॉडल को इनेबल कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों भी फ्री कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों AI मॉडल्स को इनेबल कर सकते हैं और दोनों को ही फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप डीपसीक R1 को यूज करें बिकॉज ये V3 AI मॉडल से कई गुना पावरफुल है। सो हम यहाँ पर डीपसीक R1 का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो प्रोजेक्ट फाइल फ्लटर की एंड्रॉइड स्टूडियो में क्रिएट की हुई है उसे यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। सो अब हमने एंड्रॉइड स्टूडियो की फ्लटर प्रोजेक्ट को अपने कर्सर AI पर इम्पोर्ट कर लिया है। अब हम क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आफ्टर L, सो आपके सामने इस टाइप का चैट बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ कंपोजर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको Claude 3.5 ऑलरेडी सिलेक्टेड AI मॉडल मिलेगा, सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है
और यहाँ आपको डीपसीक R1 को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें अपने हैबिट ट्रैकिंग ऐप को क्रिएट करने के लिए एक डीप प्रॉम्प्ट टाइप करना है। हम एक हैबिट ट्रैकिंग ऐप क्रिएट करने वाले हैं, सो उसका एक डीप प्रॉम्प्ट टाइप कर देते हैं और उसके डिटेल और फीचर फंक्शनैलिटीज़ को यहाँ पर इंटर कर देते हैं। सो हमने अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है। अब जैसे यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे सो हमारी कोड जनरेट होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर बहुत तेज़ी से कोड जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। सो कोड जनरेट होने की प्रोसेस एंड होती है, यहाँ एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। अब एक बार डिपेंडेंसीज को सिंक करते हैं और इसके बाद अपने हैबिट ट्रैकिंग ऐप का आउटपुट देखेंगे। तो हमारी डिपेंडेंसीज सिंक हो गई हैं। अब आउटपुट देखते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर आकर। अब यहाँ से हम हॉट रीलोड करेंगे और जो भी हमारे कोड पर चेंजेस हुए हैं वो हम अपने एमुलेटर पर देखेंगे। सो आप देख सकते हैं अब हमारा हैबिट ट्रैकिंग ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है, जो कि डीपसीक AI ने बनाया है और बहुत ही अच्छा यूजर इंटरफेस के साथ बनाया है। बट ये ऐप अभी वर्किंग नहीं है बिकॉज हमने अपने ऐप का सिर्फ यूजर इंटरफेस डिज़ाइन करने का प्रॉम्प्ट दिया था। अब इसे हम एक वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे और सारे फीचर फंक्शनैलिटीज़ को वर्किंग बनाएंगे। सो अगेन से आ जाएंगे हम कर्सर AI एडिटर पर और अपने ऐप की लॉजिक को एक प्रॉम्प्ट में इंटर करेंगे और अपने ऐप को वर्किंग बनाएंगे डीपसीक AI की हेल्प से। तो यहाँ पर एक डिटेल प्रॉम्प्ट इंटर करते हैं। सो मैंने यहाँ पर अपने डिटेल प्रॉम्प्ट को इंटर कर दिया है। अब जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं सो हमारी कोड जनरेट होने की प्रोसेस अगेन से स्टार्ट हो गई है। सो हमारा कोड जनरेट हो गया है, यहाँ एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और एक बार अगेन से डिपेंडेंसीज को सिंक करेंगे। डिपेंडेंसी सिंक हो जाने के बाद अगेन से आ जाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो पर और एक बार हॉट रीलोड करके हम अपने वर्चुअल एमुलेटर पर इसका आउटपुट देखेंगे। सो आप देख सकते हैं एक वर्किंग हैबिट ट्रैकिंग ऐप कुछ ही मिनटों में रेडी है। और अगर आप डीपसीक AI की हेल्प से अपने ऐप को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही कम एरर्स देखने के लिए मिलेंगे अपने ऐप पर और बहुत ही फास्ट कोड जनरेट करके ये AI मॉडल देता है, जो कि मुझे क्लाउड 3.5 से भी बेस्ट लगा। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि डीपसीक AI है क्या और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इसका यूज़ करके आप कैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो भी अपने कर्सर AI एडिटर पर। और किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डीपसीक AI की API का यूज़ करके एक चैट बॉट भी किसी वीडियो में क्रिएट करके देखेंगे। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्या मुझे एक वीडियो एडिटिंग पर लानी चाहिए कि नहीं, और आपकी डीपसीक AI पर क्या राय है कमेंट करके एक बार जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।